अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं शानी मीर थाईलैंड से। और व्यूवर्स, आज मैं आपको दिखाने आया हूं थाईलैंड का जुमा बाज़ार। तो आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी मार्केट है और रश भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको मैं अंदर से जाके सारी दिखाऊंगा ये मार्केट, जुमा बाज़ार यहाँ का। ये सिर्फ जुमा के दिन ही लगता है यहाँ पर। और ये बाहर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये स्टॉल्स खाली हैं। यहाँ पर इतवार बाज़ार लगता है छोटा सा, वो इतवार वाले दिन लगता है। ये सामने रोड है, मेन रोड। तो चलें व्यूवर्स, आपको अंदर से इस जुमा बाज़ार की सैर करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। थाईलैंड की मार्केट्स में जो है ना, खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, यानी बहुत सारे स्नैक्स, बहुत किस्म के खाने। थाईलैंड में बहुत ज़्यादा खाने वगैरह जो है वो खाए जाते हैं, बहुत सारी किस्मों के। यानी थाईलैंड में हर मार्केट जो है वो खानों से भरी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। देखने में इस तरह लग रहा होगा कि सेम ही खाना पड़ा हुआ है, ये लेकिन मुख्तलिफ स्टॉल है। ये थाईलैंड की लॉटरी, ये लीगल लॉटरी है, गवर्नमेंट की तरफ से है ये। और ये यहाँ से एरिया जो है, ये कपड़ों का शुरू हो रहा है, कपड़े जूते वगैरह इस तरह की एक्सेसरी। और दूसरी तरफ भी मैं जाके आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे फ्रेश फिश, फ्रेश मीट, सी फूड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश जो है, झींगा मछली वगैरह ये सारी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये सारा पोर्शन जो है ये कपड़ों के लिए है। ये देखें, काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो इस तरफ ये देखें, ये ज़िंदा मछलियाँ इन्हें रखी हुई हैं, जो भी ख़रीदना चाहे फिर उसी टाइम जो है वो काट के दे देते हैं ये। ये झींगा है जी सारा। थाईलैंड के मुसलमान सी फूड जितना भी है उसे हलाल बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, थाई औरत है, मुस्लिम औरत है जो सेल कर रही है। और ये सी फूड जितना भी होता है ना, फिश या झींगा मछली वगैरह, ये ज़्यादातर मुसलमान ही सेल करते हैं। झींगा केकड़ा वगैरह ये सारा हलाल है, यहाँ के मुसलमान खाते हैं ये। और यहाँ के मुसलमान जो हैं वो अहले हदीस हैं ज़्यादातर। वो टॉयलेट्स भी हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से सब्ज़ियों का एरिया शुरू हो रहा है, फ्रेश सब्ज़ियाँ। ये देखें, बड़ी साफ़ सुथरी सब्ज़ियाँ होती हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे सब्ज़ियाँ खाने का। थाईलैंड में बहुत सारे किस्म के फ्रूट्स, बहुत सारे किस्म की सब्ज़ियाँ पाई जाती हैं। पाकिस्तान से भी ज़्यादा फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। और मैंने अनोखे फ्रूट्स पे वीडियोस भी काफ़ी सारी बनाई हुई हैं। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल विज़िट करें, आपको काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये फ्रेश मीट भी है यहाँ पे। और ये जो मसाले वगैरह होते हैं ये भी हैं यहाँ पे। देखें व्यूवर्स, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। और थाईलैंड के लोग, स्पेशली थाईलैंड की औरतें बहुत मेहनती हैं व्यूवर्स, उन पे मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा।
ये चिकन बॉयल है, मज़े का होता है ये चिकन बॉयल। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे अंदर ही एक काफ़ी बड़ी शॉप भी है। ये देखें मार्केट काफ़ी बड़ी है, कितनी गलियाँ हैं इसकी ये आप देख सकते हैं। अगर मैं सारी मार्केट घूमता तो फिर काफ़ी लंबी हो जानी थी वीडियो, तो इसलिए जो है वो मैंने आपको थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट दिखाई है। ये आप देख सकते हैं ये सारी गलियां इसी मार्केट में, और काफ़ी लंबी लंबी गलियां, ये यानी बहुत बड़ा जुमा बाज़ार लगता है यहाँ पे। तो व्यूअर्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूला करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ये देखें इस तरफ भी पार्किंग है, तो मेन रोड उस तरफ है और वो दूसरी तरफ भी पार्किंग है। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।